हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही खुशखबरी वाली वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो क्या है वो खुशखबरी, मैं आपको बता ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है, यूट्यूब की मेरी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो मेरी पेमेंट ना थोड़े दिन पहले ही आ चुकी थी, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। और मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है, आपको फ्रेंड्स पता ही है कि फर्स्ट पेमेंट कितने डॉलर पर मिलती है। तो मेरी जो पेमेंट है, जितने डॉलर पर फर्स्ट पेमेंट बनती है, मेरी थोड़ी ज़्यादा है उससे, क्योंकि मेरे डॉलर एक्स्ट्रा थे और इसलिए मेरी थोड़ी ज़्यादा आई है। लेकिन जितनी भी आई है, उतने में मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इनके इस फर्स्ट पेमेंट लाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है ना हमने, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, मैं अकेली इसका हकदार नहीं हूँ अपनी फर्स्ट पेमेंट का। सबसे पहले मैं क्रेडिट देती हूँ अपनी फर्स्ट पेमेंट मतलब कि लाने का, यहाँ तक पहुँचने का, मैं अपने हस्बैंड जी को और मैं साथ में अपने बच्चों को, क्योंकि अकेली के ये सब बस की नहीं था। और सबने सपोर्ट किया है मुझे, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मेरी भी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत रही है। आपको पता ही है कि YouTube पर काम करना कोई आसान काम नहीं है। चाहे वो आप कोई ब्लॉग डाल रहे हो, या कोई आप रेसिपी डाल रहे हो, या आप कोई टिप्स की वीडियो डाल रहे हैं, तो बिल्कुल भी ईजी नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा सफ़र रहा है। और हमारी कोई वीडियो ज़्यादा वायरल तो हुई नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेहनत का फल है जो मैंने आपको भी दिखाया है। लेकिन जितना भी है और कितना भी समय लगा, उसके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो YouTube चैनल है अपने शौक के लिए खोला था, और शौक भी पूरा हुआ है मेरा, और मेरा ध्यान भी बटा है। और जब पैसे आते हैं तो किसको बुरा लगता है? ये तो किसी को बुरा लग ही नहीं सकता, ये तो सबसे बड़ी खुशी होती है। तो ये फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसमें से चाहे भले ये किसी भी काम में यूज हो पैसे, इसमें से मैं 100 रुपये हमेशा अपने पास रखूंगी, ताकि मैं जब तक हूँ तब तक मैं याद रखूँ कि मेरी जो इतनी दिन रात की मेहनत थी, उसके कमाई का एक हिस्सा मैं अपने पास रखूँगी। बाकी तो देखो, पैसा तो आता है और चला जाता है, लेकिन मैं 100 रुपये हमेशा अपने पास रखूँगी याद के लिए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ईजी नहीं रहा सफ़र। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था यूट्यूब के बारे में। लॉकडाउन हुआ था तब मैं वीडियो देखती थी, तो मैंने सोचा कि ऐसी वीडियो तो मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं आती थी, और कुछ भी ABCD नहीं पता था कि वीडियो कैसे बनानी है और कैसे डालनी है, अपलोड करनी है। धीरे धीरे सीखा सब कुछ, और वीडियो बनाना आसान हो गया, लेकिन अपलोड करना और उसको एडिटिंग करना थोड़ा मुश्किल रहा, उसको भी धीरे धीरे सीखा। फ्रेंड, जब भी हम किसी चीज़ को दिल से सोचते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो वो हर चीज़ आ ही जाती है। तो मैंने भी वीडियो बनाना शुरू किया और अपलोड भी करना सीख लिया, एडिटिंग भी सब कुछ सीख लिया, सब कुछ अच्छे से हुआ। लेकिन मेहनत इतनी ज़्यादा रही, इतनी ज़्यादा रही कि दिन रात हमें इसके पीछे एक करना पड़ा, तब जाके हमें ये कामयाबी मिली। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, और बहुत सारे लोग बताते भी हैं वीडियो में, कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे पेमेंट आती है, क्या करना होता है यूट्यूब चैनल जब हम खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब का कुछ नियम है, जैसे कि हमें 4000 घंटे का वॉच टाइम देना होता है, और 1000 हमें सब्सक्राइब करने होते हैं, तब जाके हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। तो वो भी हमने 1000 सब्सक्राइब भी अगेन किए, और 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत मुश्किल से हुआ, क्योंकि हम कोई वायरल यूट्यूबर तो नहीं थे जो फटाफट से हो जाता, या फिर हमारी कोई वीडियो वायरल भी नहीं हुई थी ताकि हमारा वॉच टाइम आसानी से हो जाता। तो वॉच टाइम भी बड़ी मुश्किल से जाके हुआ, लेकिन मैंने अपना चैनल मोनेटाइज करके छोड़ा, और मेरा जो गूगल पिन है वो भी बहुत जल्दी आ गया, ज़्यादा टाइम उसमें भी नहीं लगा। वो आता है $10 पर, जब हमारे $10 कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है हमारी पेमेंट की। तो हमारी जो पेमेंट है वो आती है $100 पर, जब हमारे अकाउंट में $100 हो जाएंगे, तब हमारी फर्स्ट पेमेंट आती है। और $100 में कितनी फर्स्ट पेमेंट मिलती है वो आप सबको पता ही है, लेकिन मेरी $100 से ज़्यादा आई है, और पहली पेमेंट है मेरी थोड़ी ज़्यादा आई है। तो इसलिए, और पेमेंट ना मेरी 25 तारीख को आ जानी थी, लेकिन किसी कारणवश हम वहाँ नहीं जा पाए। फिर उसके बाद 4 दिन की बैंक की छुट्टी हो गई, तो उसके बाद फिर 5वें दिन हम अपनी प्रक्रिया बैंक की जो होती है वहाँ पे जाके की। फिर उसके बाद मेरी जो पेमेंट है वो 2 तारीख में मेरे अकाउंट में आ गई, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है मेरे हस्बैंड जी का है और मेरे बच्चों का है। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा अपनी फैमिली के सिवाय, आप इस बात को मानिएगा। मैं यहाँ पर साफ साफ कुछ बातें भी बोलना चाहूँगी, आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट करती है। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप काम करते रहिए, लोग क्या बोलते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे, आगे पहुँचाने वाले आपके कोई भी नहीं रहेगा। तो आपका मजाक भी बनाएंगे, आपके ऊपर हंसी भी उड़ाएंगे, तो उस चीज़ पर ध्यान मत दो जब आप कोई किसी भी काम को कर रहे हो। तो फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी फर्स्ट पेमेंट की वीडियो बनाऊं। एक तो मन भी नहीं था कि क्या मैं वीडियो बनाऊं, 3 साल में मुझे फर्स्ट पेमेंट पहली बार मतलब पेमेंट मिल रही है, लेकिन मैंने यही कहा कि मुझे शौक था और मेरी तबीयत खराब रहती थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ काम ऐसा करूं जिसमें मेरा ध्यान भटके और थोड़ा मेरा इधर ध्यान जाएगा, तो मेरी तबीयत भी थोड़ी सी इस पर भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये शौक भी था और तबीयत कारण की वजह भी था कि थोड़ा ध्यान भटकाऊंगी इधर, तो मैं थोड़ा सा ठीक रहने की कोशिश करूँगी, बिजी रहूंगी। और फ्रेंड्स जब हम उसमें कामयाब हो जाते हैं तो किसको नहीं अच्छा लगता है कि हम इनकम वहाँ से हम किसी चीज़ से इनकम करें घर बैठे, वो भी अपनी फैमिली को संभालते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम क्या गलत करते हैं जो इन लोगों को बुरा लगता है। हम घर के काम करते हैं, हम लेडीज़ हैं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर के मैं पूरे घर को संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, उसके बावजूद वीडियो बनाना और वो यूट्यूब पर पब्लिक करना, ये इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है, इतना मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, और बहुत ज़्यादा। तो इन सब परेशानियों को झेलते हुए भी हम वीडियो बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, आपको पीछे खींचने वाले बहुत होंगे, मजाक बनाने वाले बहुत मिलेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे कि ये वीडियो बना रही है, ये ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, हंसते भी हैं, मेरे ऊपर भी हंसा है बहुत लोगों ने, और बहुत लोगों ने ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कुछ लोग फैमिली के भी होते हैं ऐसे जो आपके ऊपर हंसी हंसी करते हैं कि आप वीडियो बना रही हो। और कई बार ऐसा हुआ जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे कैमरे के सामने से लोग हट गए हैं कि वो कैमरे के सामने नहीं आए, चलते फिरते इधर उधर निकल जाते हैं कि वो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो हट जाते हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भी मेरी वीडियो में ना आए। और मुझे कोई शौक भी नहीं है किसी को वीडियो में लेने का, जो जिनका मन होता है वो वीडियो में आते हैं और जिनका नहीं होता वो बिल्कुल भी मेरी वीडियो में नहीं आए, लेकिन मेरा काम रुकेगा नहीं, जब तक हूँ जब तक ठीक हूँ मैं वीडियो बनाती रहूँगी, किसी के कहने से नहीं रुकने वाली, कोई कितनी भी हंसी उड़ाए मजाक उड़ाए। और इस सब को झेलते हुए भी मैंने ये आज करके दिखाया है, जो भी कि आप मैंने आज आपको बताया था, इस सब के बाद भी मैंने ये सब करके दिखाया है, इतना आया है तो और भी ज़्यादा आएगा फ्रेंड्स, लेकिन ज़्यादा की उम्मीद मैं करती भी हूँ, अच्छा काम करूँगी, अच्छा मेरा काम चलेगा तो ज़्यादा भी मिलेगा, लेकिन इतने में भी खुश हूँ। हाँ ये मैंने अपने उस मेहनत से करके दिखाया है, घर बैठे अपने मतलब मोबाइल से काम करके और ये सब करके मैंने दिखाया है, तो ये मैंने ले लिया है घर बैठे, मैं बाहर निकल के नहीं गई कि मैं अब जॉब करने गई हूँ कि मुझे वहाँ से जॉब करके पैसे मिले, मैंने अपने घर को भी संभाला है और बच्चों को संभाला है, सब कुछ संभालते हुए भी मैंने आज पहली पेमेंट तो ले ली है और नेक्स्ट भी आएगी मेरी, ऐसी बात नहीं है, और आती भी रहेगी, आप सबका सपोर्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये अकेले की मेहनत नहीं होती है, हमारे फ्रेंड्स भी हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, और कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वाह पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते, सारा यहाँ पर खुलकर बोलना चाहूँगी, तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जो हमारी सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सपोर्ट से ही सब कुछ है। तो फ्रेंड्स मेरा आज जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है और आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना ही दूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज जा करके मुझे ये टाइम मिला है, तो मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स आप कभी भी हार मत मानिए, आप हमेशा अपने काम में लगे रहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड का काम कर रहे हो, जब आप चाह लेते हो कि हमें ये करना है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपको हमेशा पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन आपको आगे ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो आप उसको बरकरार रखिए, कितनी भी मेहनत लगे आप उसको करते रहिए। तो फ्रेंड्स मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी फर्स्ट पेमेंट के लिए, और आपका प्यार और सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए और मैं भी अपनी मेहनत बरकरार रखूँगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को बस मैं यहीं पर समाप्त करूँगी, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप कितने खुश हैं, मेरे फ्रेंड्स कितने खुश हैं मेरी फर्स्ट पेमेंट से, और
वीडियो बनाने का तो और भी बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगी। और मैं एक नेक्स्ट भाग भी और बना रही हूँ इसी वीडियो में, तो वो आप नेक्स्ट भाग भी ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।